हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं एक कंटेंट और लेकर के आया हूं। तो हमारे पास एक सैमसंग का M02 मॉडल है, जैसा कि आप देख सकते हैं M02 मॉडल है। तो अब इसकी करने वाले हैं, किसी यूज़र ने इसका पासवर्ड भूल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो रिमाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसकी करने वाले अनलॉकिंग गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सैमसंग का। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे फॉर्मेट गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले इस फ़ोन को हम करेंगे फॉर्मेट, उसके बाद इसकी FRP लगती है, तो हम इसकी FRP भी रिमूव करने वाले हैं। अगर वीडियो को पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा और भी ऐसी नोटिफिकेशन आपको और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे गाइस। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसको करने वाले हैं गाइस UMT से। तो मैं इसको UMT को लगा लेता हूं गाइस, यहां पे मैं UMT को इन कर लेता हूं। और UMT लगाने के बाद हमें डाटा केबल जरूरत होगी तो मैं डाटा केबल भी ले लेता हूं और UMT का सेटअप खोल देता हूं गाइस। तो ये हमारा QC फायर है, हमें अल्टीमेट MTK खोलना है गाइस। तो अल्टीमेट MTK ये साइड में है हमारा, तो हम इसको खोल लेते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है गाइस, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप वीडियो को लास्ट दिन तक जरूर देखें और ठीक है, ऐसे आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देर न करते हुए फटाक से, क्योंकि आपके पास अगर टूल है गाइज तो आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं गाइज। हमें टूल हमने खोल लिया, अल्टीमेट MTK टूल हमने खोल लिया यहाँ पे गाइज। अब हमें सिंपल करना क्या है देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सीधा आना है, वन क्लिक में आना है और यहाँ पे रिसेट फॉर्मेट पे कर देना है और फोन को आपको EDL पे कनेक्ट कर देना है। इसका मैं टेस्ट पॉइंट आपको दिखा दूंगा, आपको यहाँ पे गूगल में डाल दूंगा। आप यहाँ पे गूगल पे लिखोगे मॉडल नंबर सैमसंग M02, आपको यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट दिखाई दे देगा। मैंने फोन को कनेक्ट कर दिया, देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कॉम बन चुका है। अब मैं सीधा इसको एक्सक्लूज कर दूंगा और फोन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज। अगर नहीं होता है तो फोन को फिर से कनेक्ट करना है आपको, जैसा कि यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। तो एक बार फिर से आपको एक्सक्लूज करने के बाद फोन को फिर से कनेक्ट करना है। चलिए मैं फोन को दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस हमारा ये कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुल, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवाइस। सबसे पहले हम फोन को फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद देखते हैं कि इसमें FRP लगता है कि नहीं लगता है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से यहाँ पे यूजर डाटा हमारा यहाँ पे मतलब फॉर्मेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको गाइस यहाँ पे देख सकते हैं डाटा केबल से लगा हुआ है, ये फोन हमारा यहाँ पे खुला हुआ है। तो मैं निकालता हूँ और चेक कराता हूँ कि हमारा ये फोन फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ गाइस। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारा फोन हार्ड रिसेट बार बार आप फेल हो रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये ट्रिक आप यूज करोगे UMT में कुछ नहीं, वन क्लिक में बहुत ही कम समय में आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट के अंदर में अनलॉकिंग हो गई। तो मैंने बैटरी निकाला और लगाया। अब हमारा फोन चेक करते हैं कि ये हार्ड रिसेट हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो देखिए M02 है मॉडल, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फोन हमारा रिसेट हो चुका है बहुत इजी तरीके से। तो मतलब कोई भी ब्रांड और मॉडल हम यहाँ पे नहीं गए कि आपको सैमसंग सेलेक्ट करना है, वन क्लिक में गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर इसका सक्सेस रिपोर्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइमिंग शो नहीं कर रहा है, नहीं तो अगर टाइमिंग की बात करें तो बहुत ही कम समय में ये हमारा फोन फॉर्मेट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसमें FRP लग जाएगी गाइस तो हम FRP भी बहुत इजी तरीके से इस वीडियो में भी दिखाने वाले हैं। आगे चल के इन फ्यूचर आप इसको कैसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, तो इसकी FRP कैसे रिमूव करनी है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। आज का वीडियो था कि अगर आपका फॉर्मेटिंग के टाइम में अगर आपका हार्ड रिसेट नहीं हो रहा है तो आप कैसे इजी तरीके से हार्ड रिसेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप की से प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये मेथड यूज करेंगे और 100% सक्सेस हो जाएंगे गाइस।